सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश का एक मुद्दा, एक घटना ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है, और साथ ही साथ ये सवाल केवल सरकार पर ही नहीं बल्कि ये सवाल बुलडोजर नीति पर भी उठ रहा है। वो बुलडोजर जिसको लेकर सरकार अपनी लगातार पीठ थपथपा रही थी कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज को ख़त्म कर दिया। जो गलत थे उनके घर पर बुलडोजर चलाए गए, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अपराधी थे उन सब पर बुलडोजर चला के यूपी सरकार लगातार बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति और माफी राज को हमने खत्म कर दिया और कानून व्यवस्था के ऐसा वातावरण बना दिया है जिसको लेकर अब पब्लिक जानती है कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। खैर, जो नीति है बुलडोजर की, जो कार्रवाई है, वहां पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इस कार्रवाई के चलते दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और जान भी ऐसी गंवानी पड़ी कि मानव रूह कांप जाए। जिंदा जल गई दो महिलाएं। कारण कार्रवाई, कारण वहां पर लोगों की संवेदनशीलता, और सबसे बड़ी बात कि इतने अधिकारी और इतना बड़ा महकमा होने के बावजूद उनको बचाया क्यों नहीं गया। कारण क्या रहा, क्या बचाने के मनसा नहीं थी, या वास्तव में मनसा थी कि कार्रवाई इस तरह होती रहे। फिलहाल सरकार का अपना पक्ष, सरकार कहना है कि हम कार्रवाई यहाँ पर केवल अपराधियों पे कर रहे हैं, अवैध संपत्तियों पे कर रहे हैं, पर सरकार की मंशा कहीं यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर लोगों की जान चली जाए। निश्चित रूप से सरकार की नीतियों पर जिस तरह से अधिकारी ग्रहण लगा रहे हैं, वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। फिलहाल इस पर एक रिपोर्ट देखते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी, जिम्मेदार लोग हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302। कानपुर देहात में मंडौली गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर मां बेटी की जलकर मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। कानपुर देहात में लगातार सभी के जाने का सिलसिला जारी है, तो वही कानपुर देहात की पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई पर लोग वाहवाही करते नहीं थकते थे, तो वही कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गए बुलडोजर से दो लोगों की मौत हो गई। वजह चाहे जो भी दी जाए, लेकिन सवाल तो कई खड़े हुए हैं, और इन सवालों में सबसे पहले जिला अधिकारी की जवाबदेही तो बनती है, पर जवाबदेही देने की जगह वो खुद सवालों के घेरे में खड़ी है, और इसकी वजह बना है उनका डांस। लचकाती हुई ये महिला कानपुर देहात की जिला अधिकारी नेहा जैन है। कुछ दिन पहले कानपुर देहात में महोत्सव का आयोजन किया गया था। 13 फरवरी को महोत्सव का आखिरी दिन था। इस दिन डीएम नेहा जैन भी महोत्सव में शामिल होने पहुंची थी। डीएम नेहा जैन ने मंच पर खूब डांस किया। अब इसको लेकर जिला अधिकारी नेहा जैन की जमकर किरकिरी हो रही है, और लोग डीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 13 फरवरी को दिन दहाड़े जिले की पुलिस और एसडीएम एक पीड़ित परिवार के घर पर आग लगा देते हैं, जिसमें मां बेटी की जलकर मौत हो जाती है। उसी दिन रात में डीएम साहिबा महोत्सव में डांस करने पहुंच जाती है। आखिर कौन है कानपुर देहात की जिला अधिकारी नेहा जैन? आपको बता दें, नेहा जैन 2014 बैच की आईएएस अफसर रही हैं। फिलहाल नेहा जैन कानपुर देहात की जिला अधिकारी हैं। 2015 से अक्टूबर 2016 तक आगरा में ट्रेनिंग की, वहीं लखनऊ की जॉइंट मजिस्ट्रेट भी बनी।
अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक नेहा फिरोजाबाद की सीडीओ रही। दिसंबर 2020 विकास प्राधिकरण कानपुर की एसीईओ बनी। 14 अप्रैल 2022 में कानपुर देहात की डीएम बनी। बहरहाल डीएम नेहा जैन के डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अब उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस बुलडोजर की कार्रवाई से लोग खुश होते थे, क्या आज वही बुलडोजर सिस्टम की भेंट चढ़ गया? सवाल ये है कि क्या हर बार मुआवजा देकर बनेगी बात? सवाल ये भी कि ऐसे जिला अधिकारियों पर कब गिरेगी गाज? और सवाल ये भी उठता है कि इस पूरी घटना के बाद महिला आयोग कहाँ है? मैनपुर चर्चा विषय है, कई सवाल मन में भी है सबके, आम जनता के भी, हम जैसे खबरन भीषों के भी और राजनीतिक लोगों के बीच भी। अब तक कानपुर देहात की डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो डीएम जहां एक तरफ मौत का नंगा नाच हुआ, दो महिलाओं की मौत हुई, तो वहीं डीएम साहिबा का भी डांस का वीडियो वायरल हुआ। यानी 13 फरवरी की जिस दिन घटना हुई है, वो घटना से सबकी संवेदनहीनता सामने आ गई। यानी इस घटना से डीएम देहात को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आराम से कानपुर देहात में हो रहे उत्सव में ठुमके लगाते नजर आई। खैर, वीडियो वायरल हो रहा है, संवेदनहीनता क्या है वो अलग बात है, पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। विपक्ष इस घटना पर लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकने में लग गया है। वो विपक्ष जो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई पर चुप बैठा हुआ था, वो विपक्ष जो केवल अपने लोगों पर अगर कार्रवाई होती थी तो सड़क पर उतरता था, पर वो विपक्ष अब चूंकि यहाँ पर दो महिलाओं की मृत्यु हुई है, वो महिलाएं जिस वर्ग से हैं उस वर्ग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। मैनपुर चर्चा से मेहमान जो चुके रूबरू करा दूं, अश्विनी साई भाई प्रवक्ता भाजपा अपना पक्ष रखेंगे, ब्रज सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे मोहम्मद सैयद मोहम्मद थकी भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से देव पांडे अपना पक्ष रखेंगे और आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी भाई, घटना विवश है और निश्चित रूप से घटना की पुनरावृत्ति ना ही हो तो शायद हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नीति सरकार की बेहतर चलती आ रही थी, पर अधिकारी जो है वो सरकार की नीतियों पर ग्रहण लगा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत थी? क्या कितना बड़ा वो माफिया थे, या उनका पहले भी मकान तोड़ दिया गया था और झोपड़ी बना के रह रहे थे, तो शायद कुछ मोहलत दी जानी चाहिए थी, पर बुलडोजर से गिराया गया और बुलडोजर गिरा इस तरह गया कि मौत हो गई। खैर, आग किसने लगाई, कैसे लगी, ये विवेचना का बिंदु है, पर एक बात तो साफ है, बाबा दो लोगों की मृत्यु हो गई है और विपक्ष की राजनीति कैसे देखते हैं आप? गौरव जी, कानपुर में जो भी हुआ दुखद हुआ जी। और ये आपने पूछा तो इसकी पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहेगा जी। चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो जी, सत्ता के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, प्रशासन के लोग हो जी, कहीं भी कोई नहीं चाहेगा कि इसकी पुनरावृत्ति कहीं भी हो जी। और इसकी अब इसमें संवेदना के जितने ही शब्द अगर बोले जाएंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि जो हादसा जिसके साथ होता है, जिस परिवार के साथ होता है, उसका बोझ वो परिवार ही झेलता है। बिल्कुल। लेकिन गौरव जी, इस घटना को दो तरीके से लेकर देखना चाहिए। एक तो ये दुखद पहलू है जी। दूसरा पहलू जो जिस कारण ये दुर्घटना हो गई जी, उसको भी देखना चाहिए जी। आज सरकार जो है, जो भी स्टेप लेना है, जो भी त्वरित कार्यवाही करनी है, जांच हुआ, उसकी जांच की रिपोर्ट आकर और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, गिरफ्तारियां भी हुई, सस्पेंशन भी हुआ और सरकार के उप मुख्यमंत्री साहब ने डायरेक्ट जो है उनसे बात करके उस पीड़ित परिवार से बात किया और सांत्वना दी कि सरकार आपके साथ खड़ी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने उनसे बताया कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक। मगर कल परसों से जब से ये घटना हुई है, बगैर जांच का वो किए, एक अचानक जो है हमारा विरोधी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल सभी जानते हैं जी, और उसमें जातिगत एंगल ढूंढना और तमाम तरह की बातें करना शुरू कर देते जी।
वहां किसी की भावना ये नहीं आती है कि कोई एक गरीब परिवार जिसकी जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है उसके प्रति कोई संवेदना किसी की नहीं थी। अच्छा, हाँ सिर्फ ये संवेदना जरूर थी कि ये सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है। अच्छा। और ये सरकार दलित विरोधी है ये लोग, क्योंकि हम लोग जो है 1 ट्रिलियन से ऊपर इकोनॉमी ले जाने की बात कर रहे हैं और ये लोग जाति खोज रहे हैं जी। हम लोग 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और ये लोग अभी धर्म खोज रहे हैं जी। तो ये एक इनका है भाई, विरोधी दल है, उनको करना चाहिए। अच्छा। मगर कई चीजें ऐसी पाई गई हैं इसमें, जाना, संवेदना व्यक्त करना जी। और उसके ऊपर अगर आप उसकी कुछ सहायता कर सकते हो तो वो करना चाहिए था यहां से बैठ कर जी। लेकिन सही सरकार के ऊपर की अब ये हो गया, सरकार ने यही काम इन लोगों ने 2022 चुनाव के पहले किया था। अच्छा। कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी सरकार है और विकास दुबे को इन लोगों ने अपना आइडियल मान लिया था। एक अपराधी जो मारा गया था कानपुर में, गाड़ी पलट गई थी, मर गया था वो गोली चलाते हुए, उसमें इन लोगों ने कहा ब्राह्मण विरोधी सरकार है और ये है वो है, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ये जानती है कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन ये प्रोपगंडा फैला रहा है। 79% ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले आशीर्वाद के रूप में। अजरी भाई, समाजवादी पार्टी बाहर। अखिलेश यार ट्वीट किए हैं कि रोम की घटना जैसी है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, इतनी बड़ी घटना हो गई, G20 सम्मेलन की यहाँ पर मेजबानी की जा रही है और अधिकारी नाच गाने व्यस्त है, कानपुर जल रहा है, किसी कोई संवेदना नहीं है। जी जी जी, देखिए उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी जी, कोई फंडिंग, ये गए थे एक बार मुंबई में, इन लोगों ने उसकी एक समिट किया था, 1 रुपए का भी कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया था। अच्छा। हाँ, एक इन्वेस्टमेंट जरूर होता था जी, सैफई में हर साल 100 करोड़ से ऊपर का बजट सरकारी खर्च होता था और वहां नृत्य होता था, वो नृत्य उनको नहीं दिखा जो बैठकर पूरे परिवार और खानदान के साथ वो देखा करते थे। अच्छा। वो नर्तकियां आती थी वो नहीं नजर आया। अच्छा। सैफई में एक हवाई अड्डा नहीं बना। अच्छा। लेकिन एक स्ट्रिप हवाई पट्टी जरूर बनी। अच्छा। कि उन नर्तकियों को और अपने गेस्ट को वहां पर जहाज समेत उतारा जा सके। अच्छा। वो किसके पैसे से बना है वहां, उसकी क्या हो सकता है, अगर वहां पर एक हवाई अड्डा बना होता तो हम मानते चलिए ठीक है, सैफई की जनता है, वहां की जनता आएगी, जहाज चलेंगे, वहां से लोग जाएंगे दूसरे तरफ। लेकिन वो नहीं हुआ, वहां पर क्या बना, स्ट्रिप बना और वो भी सरकार के पैसे का फालतू खर्च हुआ और 100 करोड़ का कितने साल हुआ, सरकार जाने के बाद क्यों नहीं करा पाए लोग। अच्छा। क्या यादव परिवार की औकात खत्म हो गई, हैसियत खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई भाई, अगर कराते उनका वो था तो सरकारी वहां पर अमला जो है लगा रहता था और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे और आज उनको नृत्य दिखाई दे रहा है। किसी संविधान में लिखा है कि कोई सरकारी अधिकारी जो अच्छा, है भाई, मेरे दो सवाल रहेंगे, बाकी मेहमानों को लेता हूँ। दो सवाल मेरे रहेंगे कि जब भी कोई घटना होती है उच्च अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होती है, क्या केवल लेखपाल, बुलडोजर चलाने वाला ड्राइवर या SDM पे कार्रवाई, इससे उच्च अधिकारी पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्या DM नेहा जैन पे भी कोई कार्रवाई होगी, या सबसे महत्वपूर्ण बात है कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है उसके माध्यम से सरकार को अधिकारी खराब मैसेज दे रहे हैं, सरकार की नीतियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी आपको होने की उम्मीद लगती है क्या। जी जी, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछा गौरव जी आपने। मैं दूसरे से सवाल से ही शुरू करता हूँ कि जो सरकार की नीतियां हैं जी, अगर इस तरीके के काम हो रहे हैं जी, तो अवश्य ही जी कुछ अधिकारी को जी, और उनको दंडित किया जाएगा, और उनको दंडित किया जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब यह है कि अगर उसमें DM नहीं, उसमें किसी भी स्तर का कोई अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है कि उन्होंने हीला हवाली की, उन्होंने कोई गलती की है ऊपर मौका वारदात पर जो लोग थे उनके अलावा जी, तो उनको भी दंडित करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी और उसका नजीर है। उत्तर प्रदेश में IPS लोग सस्पेंड करके हटाए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं, तुरंत प्रभाव से नोएडा से लेकर और कहां कहां तक कार्यवाही हुई है। ठीक, ठीक। योगी सरकार दूसरे तरह की है, इससे पूरी उम्मीद करिए। जो अगर सरकार के काम में दखलंदाजी करेगा और गलत करेगा और इसमें जो दोषी होगा उसको सजा मिले। नेता सभा विवेक पांडे भाई, क्या आपकी क्या राय है, जिस तरह से अश्विनी भाई बोल रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया जनता के सामने है और ये जो आप
चोला ओढ़ने प्रयास कर रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, और ये चोला 22 में चुनाव के समय भी ओढ़ चुके थे, पर जनता ने और ब्राह्मणों ने बीजेपी का साथ दिया। अब इस तरह पर राजनीति मत करिए, अगर सम्मेलन जतानी सम्मेलन जताइए, राजनीति मत करिए, इस तरह का एक बात अश्विनी शाही ने आपके लिए कही है। जी सपा के लिए देखिए, पहले तो पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ, अनुमोदन के साथ अभिव्यक्ति चाहूंगा अपनी बातों को रखने की। जी आदरणीय अश्विनी शाही भाई हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक भी हैं, इनसे कई बातों की प्रेरणा मैं स्वयं लेता हूँ, मंच पे स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन जो बातें इन्होंने रखी, अच्छा पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करूंगा उस परिवार को, श्रद्धांजलि देता हूँ उन्हें जिन्होंने शिवालय की रक्षा करते हुए शिव मंदिर को बचाने के लिए अपने आप को शिवलोक की पुनरावृत्ति करते हुए क्या बात गमन कर आपकी बात बिल्कुल मुस्कुराएंगे, क्योंकि देखिए भाजपा की आदत है, नियति रही है कि लाश पे मुस्कुराने की आदत जिसकी होती है उसको भी एक विशेष शब्द दिया गया, हालांकि मैं इनके लिए प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक। आज एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अभी बड़े बड़े दावे हो गए, निवेश के वादे हो गए, अच्छा ये जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश की छवि इतनी बढ़िया है कि मुझे लगता है निवेशक भी इससे खुश होंगे। अच्छा दावे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा और जो अश्विनी भाई ने अभी कहा कि संवेदना, मैं एक बात पूछता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से मंच पे सभी लोग बैठे हैं, आज अगर हमारी सरकार होती, ये विपक्ष में होते तो ये क्या करते और क्या किया इन्होंने पिछले कार्यकाल में जब हमारी सरकार थी? अच्छा जो घटनाएं घटती थी उस पर इनका क्या रवैया होता था, क्या रुख होता था? तो मुझे लगता है कि बातें थोड़ी तर्कपूर्ण होनी चाहिए। दूसरी बात पे आऊंगा, बहुत ज्यादा इनकी सरकार सक्रिय है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, 12 जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम पे शायद भाजपा ने कार्रवाई कर दी होगी। अच्छा क्योंकि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के बगल में खड़ी होकर के पीड़ित परिवारजन और जो ब्राह्मण संगठन के लोग गए थे, पति से चप्पल से पिटवा करके जो गालियां दे रही थी, सोशल मीडिया पे वायरल है। अच्छा किसका चाल चरित्र, किसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है? भाजपा की है ना। ब्राह्मण परिवार जिसके दो परिवारजन आत्मदाह कर बैठे, उनके परिवारों को खुल करके गाली देना, और सबसे बड़ी बात इनकी पुलिस वहां खड़ी है, वो संगठन के लोगों को पकड़ के ले जा रही है जो बेचारे न्याय मांगने के लिए वहां खड़े हैं, जो सवाल कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पुष्प वर्षा करेंगे, केवल सम्मान करेंगे, केवल दुख में आप खड़े ना हो पाए। मौके पे आपकी विधायिका जब घटना घटी तो मौके के 5-10 घंटे तक ना पहुंची, दूसरे दिन भी इनकी SDM गांव में, इनकी DM ना पहुंची। इन्होंने बात की 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते थे, 100 करोड़ खर्च करके नर्तकियां बुलाई जाती थी। गौरव भाई अब तो नर्तकियों की भी आवश्यकता ना रही। अच्छा अब तो प्रशासनिक अधिकारी ही मनोरंजन कर दे रहे हैं मंचों पे खड़े होकर के। अच्छा तो नर्तकियां हम तो बुलाते थे तो बॉलीवुड कम से कम यहां आकर के देखता था, सफाई जैसे पिछड़े गांव में भी लोग देखते थे, बुंदेलखंड भी कोई जगह है। अच्छा लेकिन आज तो नर्तकी बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। बड़ा अच्छा संबोधन दिया, मैं तो इनसे परिपक्वता की उम्मीद कर रहा था आज की गंभीर चर्चा होगी। अच्छा लेकिन आज तो नर्तकियां बुलाने की भी आवश्यकता नहीं भाई। एक प्रशासनिक अधिकारी खड़े होकर के जिस तरह ठुमके लगा रहा है, ये अगर आप सुशासन मानते हैं तो मुझे संदेह है आपकी परिपक्वता पे, आपकी सोच पे। अच्छा इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जल्दी बोलिए। किसी भी ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, किसी भी जाति के गरीब तबके के अगर आप परिवार को, उसके घर को, उसकी झोपड़ी को उजाड़ रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री की बातें याद कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि बुलडोजर चलेगा लेकिन उस परिवार पे नहीं चलेगा जो मजबूरी में, बिल्कुल कहा था, मजबूरी में इस तरह से रहने के लिए मजबूर है, पहले उसकी व्यवस्था की जाएगी उसके बाद उसका अतिक्रमण हटेगा, बिल्कुल कहा था। आपके अधिकारी, आपके मुख्यमंत्री तक को कुछ नहीं समझते हैं, मुख्यमंत्री को शून्य समझा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये अधिकारियों ने साबित कर दिया गौरव भाई। और इसकी अगर इनको वाहवाही लगती है तो माफ कीजिएगा मुझे, इनकी सोच और इनकी तर्क शक्ति पे संदेह है। आज मैं संदेह कर रहा हूं। उससे बड़ी बात, एक घटना घटी नहीं कि सीतापुर में एक कुर्मी समाज के कैंसर पीड़ित के इसी तरह के एक झोपड़ी पे फिर बुलडोजर चला दिया गया। अच्छा बुलडोजर को कटप्पा बना करके लेके आए उत्तर प्रदेश में, क्या बाहुबली पिक्चर चल रही है क्या? मैं तो सवाल उठा रहा हूं कि आज एक संवेदनशील डिबेट होनी चाहिए थी जी। हमें सरकार की आलोचना मैं नहीं करने वाला था, मैं सरकार की बात ही नहीं करने वाला था जी। लेकिन जिस तरह इन्होंने समिट की बात कर दी, विपक्ष की बात कर दी, मैं कहता हूं विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है कोई बताए मुझे, इस मंच पे बैठ करके विपक्ष क्या करे, मौन हो जाए। इनके एक ब्राह्मण नेता जो प्रवक्ता, इनके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के, मैंने सबका ट्विटर वॉल खंगाला, कोई BBC पे व्यस्त है, कोई समिट पे व्यस्त है, कोई उत्तर प्रदेश में मनोरंजन परोस रहा है। भाई कम से कम मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण आलोचना करे,
चाहे किसी भी मुद्दे पे विषय पे हमें विरोध करने का अधिकार है। भाजपा की स्थिति तो यह हो गई है कि मुंह से आवाज तक छीन करके गूंगा बना दिया है लोगों को, इतनी जघन्य घटना के ऊपर जी। आपको जहां पे कम से कम संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी बात होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। विपक्ष बात कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है यहां पे। मैं तो पूछ रहा हूं जिम्मेदारी से विपक्ष को क्या करना चाहिए। विपक्ष को बैठ करके केवल टीवी ऑन करके डिबेट देखनी चाहिए, बीबीसी की आलोचना और समिट की वाहवाही देखनी चाहिए। यह बताइए क्या संदेश दिया आपने आज उत्तर प्रदेश में, जो व्यापारी आए उसमें क्या संदेश गया इस घटना को लेकर के। जो सरकार अपने ही नागरिकों से वोट लेती है, अपने ही नागरिकों से चुनाव के समय जाकर हाथ जोड़ करके वोट लेती है, वो उसको अगर रहने की व्यवस्था नहीं दे सकती तो बुलडोजर चला के उसका अतिक्रमण कहने के नाम पे उसको हटा देती है। और छोड़ दीजिए FIR में क्या लिखा, दबंग किस्म का व्यक्ति था, एक ऐसा दबंग था जो अपने बेटी अब जिसकी शादी होने वाली थी अपनी बीवी को तक को नहीं बचा सका। और सबसे बड़ी दुखद बात सुन लीजिए, बजरंग दल वाले कहां है भाई? अच्छा। कहां गए बजरंग दल वाले जो आरएसएस की तर्ज पे, जो आरएसएस की तर्ज पे वैलेंटाइन डे पे लाठियां और डंडा लेके घूमा करते थे? ये इनका बड़ा बेटा जो पीड़ित जिसकी मृत्यु हुई है, वो बहन जो मृत्यु हुई है जिसकी, उसका बड़ा भाई उसका सह संयोजक था। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, छोड़ दीजिए राजनीतिक बात तो मैं करना ही नहीं चाहता, ठीक हो गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं जिम्मेदारी भी तय नहीं करेंगे क्या जी? इतने डरते हैं योगी आदित्यनाथ क्या प्रशासनिक अधिकारियों से? इतना डर है क्या योगी आदित्यनाथ को कि पुरानी फाइलें खुल जाएगी, कि पोल खुल जाएगी? कोई जिम्मेदारी भी तय नहीं करेंगे क्या? यही काम इन्होंने हाथरस में किया था, यही काम इन्होंने हाथरस में किया था, जबरन ले जाकर अंत्येष्टि करवा दी। आज भी वही हुआ है, ठीक है? कैसे ठीक है गौरव भाई, कैसे ठीक है? ठीक है, बताइए कैसे ठीक है? बाकी मेहमान भी ले रहे हैं, बाकी मेहमान भी। नहीं नहीं, हाथरस कांड में भी CBI ने सरस्तुति की थी जी। हाथरस कांड में 3 IPS 2 IAS के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, CBI ने रिपोर्ट दी थी जी, लेकिन सबके सब पदस्थ है, सबका प्रमोशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। ब्रण भाई, आप लोग भी सक्रिय रूप से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी किया था, कल भी आपका एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था, बिलाल खाबरी गए थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे वहां पर गए थे, और उन हालांकि उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देती है सरकार ने कहा कि अगर वहां जाएंगे तो माहौल खराब हो सकता है। खैर, क्या राय है? और जिस तरह से यहाँ पर आपको नहीं लगता कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर अधिकारी यहाँ पर विराम लगा रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं, और राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, इतनी मांग तो होनी चाहिए कि भाई अगर वास्तव में आप सहानुभूति के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, पर राजनीति के लिए फिलहाल इस जगह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जी, उस परिवार जो उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिनको इन्होंने जनादेश दिया जनता ने और जिम्मेदारी दी कि जनता के हित की बात करें, जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाएं, अपनी ऊर्जा, अपनी मशीनरी, अपनी सोच उसमें लगाएं, ये करने के बजाय जी ये तो एक इमेज बिल्डिंग में लगे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अच्छा। और बार बार विरोधाभासी बयान, इनके विरोधाभासी आचरण, ऐसी घटनाएं लगातार होती रह रही हैं और हम सबको अचंभित करती हैं, दिल कचोटता है गौरव जी। अच्छा। एक तरफ तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के दावे करते हैं, दूसरी तरफ लखनऊ से भी व्यवसायिक दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण कानपुर में ऐसी घटना होती है जो हर उत्तर प्रदेशवासी को शर्मसार करती है। अच्छा। हर गौरवान्वित उत्तर प्रदेशवासी को अपमानित महसूस कराती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में इतना नैतिक बल साहस नहीं है कि इस जनता को किसी इस घटना को किसी भी स्तर पर, चूंकि सरकार में खामी इनके तरफ से है, तो सहज रूप से स्वीकार भी कर लें। हाँ, अगर उस परिवार के साथ इस विपत्ति में, इस संकट में अगर कोई खड़ा होता है सैद्धांतिक रूप से, उनको बल देने का काम करता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको मिलने नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा। ये मोटा मोटी कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। आपने और हमारे सपा के साथी ने कहा कि अधिकारियों का दोष वोष नहीं, देखिए दोष इनके इरादों का है। अधिकारी जानते हैं कि उनका आका किस प्रकार से उनको पदोन्नति देगा। अच्छा। किस बात से खुश होगा, किस बात से ना खुश होगा। अच्छा। तो मैंने बताया केवल तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि झोपड़ी उजाड़ दी। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री अगर इतने तो शाही जी बताएंगे चूंकि करीब है, निकट है। अच्छा। मुख्यमंत्री अगर इतने निष्प्रभावी हैं, हाँ। तो वो अपनी संवैधानिक भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
और जिस काम में लगे थे वो करना चाहिए, अच्छी बात है। और अगर अधिकारी उनकी आंख में धूल झोंक ले रहे हैं और प्रदेश की जनता जिनकी उनकी जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री को और पार्टी को कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, अच्छा। महिलाओं का रक्षा करे, तो वो किसी कारण से कि किस स्तर पर चूक हो गई, छोटी चूक हो गई, किसी छोटे जिम्मेदार अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जाए, तो उससे इनकी नीयत और इरादे नहीं साफ हो जाते। अच्छा। सोच इनकी खोट का है, इनकी नीयत का है, इनके इरादे का है। अच्छा। तो इस प्रकार से इनकी सोच, इनकी जो हिंसा की, बुलडोजर की, नफरत की, द्वेष की, असंवैधानिक आचरण की जो आग है, हिंसा की जो आग है, उसमें भोली भाली माफिया पे ये बुलडोजर चल रहा है, वो आप बताइए, आप इसको न्याय संगत बता सकते हैं? भोली भाली गरीब, नहीं नहीं, गरीब ग्रामवासी महिला, आपने कहा कि बुलडोजर नीति है, ये कितनी दर्दनाक घटना है, उस पर कोई नहीं, कितनी दर्दनाक घटना है। आप उनके पास कोई भविष्य नाम की चीज है? और उनको सरकार को ये मानना चाहिए था। और किस प्रकार से देखिए, डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है, ये है, अपनी ऊर्जा, अपना विवेक सब कुछ इधर उधर लगाने में लगे हैं। अच्छा। कोई भी इस समय इतनी ध्वस्त हो चुकी है, खस्ताहाल हो चुकी है व्यवस्था, कि केवल कोरी बातें, कल्पना और कागज पे चल रहा है। जो सरकार 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बढ़कर 32 लाख करोड़ हो गया, आपके सामने है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा। अगर ये जरा भी गंभीर होते, सीरियस होते और उस चीज को वरीयता देते, तो इस समय देखिए, टाइमिंग देखिए, इस समय ऐसी घटना क्या हो सकती है क्या? अच्छा। लेकिन चूंकि सरकार पूरी तरीके से केयरलेस है, अच्छा, वो जनता को केवल वोट देने के लिए इस्तेमाल करती है जी। उसके अलावा कुछ नहीं। और ऐसी अगर कोई घटना हो जाती है, कोई गांधीवादी तरीके से जाता है अपनी भूमिका का निर्वहन करने, उस परिवार को न्याय दिलाने, अच्छा, तो किस प्रकार से आपने देखा आपस में इनके गाली गलौज, ये इनकी कार्य संस्कृति है। अच्छा। ये लोग पूरी तरीके से निष्ठुर लोग है। अच्छा। गलत आचरण करने वाले, संवैधानिक आचरण करने वाले लोग हैं। घटना हो जाने के बाद उसको दबाने का काम करने वाले लोग हैं, पर्दे के पीछे धकेलने वाले लोग हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही है, अच्छा, तो देश चलेगा तो संवैधानिक मूल्यों से चलेगा। राजस्थान में घटना नहीं होती है, नहीं, इनके बुलडोजर घटना नहीं होती, इस प्रकार की घटना, इस घटना के बाद इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी, इस प्रकार का व्यवहार पूरे देश में नहीं होता। राजस्थान में नहीं होता क्या? पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं। घटना हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं, घटना हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके बाद सरकार की बात, सरकार की कार्रवाई, आप उस पर क्या कहेंगे? सरकार की मंशा वो तो विचलित करती है। अच्छा। इसलिए इनके इरादे सस्पिशियस हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है मोहम्मद तकी प्रवक्ता, आप भाई, आपकी क्या राय है? आप तो लगातार सक्रियता बनाए रखते हैं और फिलहाल इस पे भी आपके राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मुखर हैं, बोल रहे हैं इस तरह की घटनाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं और निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर है, कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा शेर है, कहता हर बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है। अच्छा। हर बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे, अब शाखों पे बम आएंगे। अच्छा। जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी, जमीन कौन सी है, धुआं कौन बोया है, 8 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में और 6 साल से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है। अच्छा। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर चल रहा है, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, देखा कानपुर में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद लोगों के बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कार्यपालिका न्यायपालिका में द्वेष पैदा करके, जातिवाद का द्वेष पैदा करके, धर्म को पेश करके जो बुलडोजर चलाए गए, उन लोगों को प्रमोशन दिया गया, उनकी वाहवाह की गई। अच्छा। जिन्होंने इस तरह के कार्य किए, वही अब जो है समाज में एक बुलडोजर का चला आ रहा है, जो लगातार देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर आतंक का और अन्याय का प्रतीक बनता जा रहा है। आपको किसने अधिकार दे दिया आप किसी घर पे चले जाए बुलडोजर चला दें? और इसमें लेखपाल ने, इसमें लिखा है कि जो पीड़िता के जिसकी जान गई, उसके भाई ने कहा है कि लेखपाल ने पीछे से दरवाजे जाके पेट्रोल डाला, आग लगा दी और बंद कर दिया। अच्छा। और उसी के अंदर उसकी माँ बहन जो है झुलस गई, जल गई पूरी तरह। अच्छा। से तो, और वो अगर व्यक्ति इतना बड़ा, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि वो उसी को, ये भी हमने देखा है बीजेपी में कि जो पीड़ित होता है, जो अपनी कंप्लेन दिखाता है, थाने में गया है, सरकार ने हमेशा उसी को मुजरिम बना दिया। अच्छा। और इस तरह के आचरण करने वालों को, दबंग लोगों को, इस तरह से उनको हौसला अफजाई की गई एक तरह। अच्छा। से तो जो बीजेपी का आचरण है पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है, पूरे समाज में आतंक पैदा कर रहा है, सरकारी विभागों का आचरण भी इस तरह का हो गया है।
अच्छा, मैंने बहुत पहले कहा था, उस वक्त भी कहा था कि जो बुलडोजर चल रहा है ये अन्याय का प्रतीक है, और ये बुलडोजर जो है उसका मैंने हिंदी में अनुवाद भी किया था कि हमारे आदित्य योगीनाथ जी हर चीज का नामकरण करते हैं, नाम बुलडोजर। आप जो न्याय का प्रतीक बोल रहे हैं, बुलडोजर का मैंने माफिया पे भी अन्याय प्रतीक है गौरव जी, बुलडोजर का मैंने एक नाम रखा था। हाँ, कि हमारे योगी जी नाम बदल लेते हैं सब जगह का, तो हमने कहा मैं भी कुछ नामकरण रखता हूँ, तो बुलडोजर का मैंने रखा था बैल बुद्धि। अच्छा, बुल बने बैल, बुलडोजर में बुद्धि। अच्छा, तो बुलडोजर बैल बुद्धि का प्रतीक हो गया है। अच्छा, जहाँ न्याय का सम्मान नहीं हो रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का सम्मान नहीं हो रहा है। अच्छा, जहाँ लोगों का लोकतंत्र का सम्मान नहीं हो रहा है, और बुलडोजर लगातार लोकतंत्र को कुचल रहा है। अच्छा, और ये पूरे विश्व में अराजकता का, अनैतिकता का, अन्याय का, आतंकवाद का एक आतंक है, उसका प्रतीक बनता चला जा रहा है। हम लोग हर जगह बुलडोजर चला दे रहे हैं, देखा मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया, दिल्ली में बुलडोजर, जहाँ बीजेपी सरकार वहां भी चलाया गया बुलडोजर। तो एक खामखाई की वाहवाही लेने का, एक क्रेडिट लेने का, एक नफरत को परोसने का एक खेल चला है। अच्छा, और इस खेल के झुलस में कई लोग झुलस गए। अच्छा, तो ये हम मैं चाहना चाहता हूँ कि देश के जो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है, अच्छा, जो जुडिशरी सिस्टम बनाया है, जो कानून व्यवस्था बनाई है, जो पुलिस थाने बनाए गए हैं, वो हमने हजारों साल के संघर्षों के बाद, बलिदानों के बाद बनाया है। अच्छा, आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिक सुरक्षा करते हुए हमें संविधान की अपनी जान दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ना हमारे देश के सिपाही अपनी जान दे रहे हैं। अच्छा, तो आप उनका सम्मान करिए। इस तरह का टकराव का माहौल देश के अंदर कैसे पता होता चला रहा है? अच्छा, कि हर जगह बुलडोजर जो है एक अनैतिकता का प्रतीक बनता जा रहा है। इस तरह कांड करने चाहिए, और पिछले कई सालों से लगातार मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से लगातार ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, अब अब सरकार ने इससे पहले 500 ब्राह्मणों की जान गई। अच्छा, आप हंस रहे हैं अश्विनी शाही जी, आम आदमी पार्टी कितने ब्राह्मण है? ब्राह्मणों की जान जाने में अभी आम आदमी पार्टी कितने ब्राह्मण है? मैं भी अखंड ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सैयद मोहम्मद तकी है। अच्छा, ब्राह्मण मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे तरफ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वीर पांडे जी, एक तरफ विनोद सिंह जी बैठे हुए हैं, जो ठाकुर है जी। और मैंने हमेशा इन दोनों ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ, मेरे दोस्त हमेशा रहे, गुरु हमेशा रहे। अच्छा, तो मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैंने लिखा भी था जब जब आरएसएस के चीफ ने पंडितों के ऊपर दोष लगाया था कि इन्होंने देश इन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है, तो मैंने अपने आप को पंडित सैयद मोहम्मद तकी लिखा था। क्या बात है। और जब भी देश के अंदर न्याय होगा किसी जाति विशेष के नाम के आगे इस तरह की बात की जाएगी, मैं उस जाति का नाम अपने नाम करके लगाऊंगा। अच्छा, क्योंकि मैं सबको सम्मान दृष्टि देखता हूँ, सबको बराबर सम्मान दृष्टि देखता हूँ। और मैं बाबा भीमराव दर्द है की राजनीति है, ये दर्द है, बहुत तकलीफ वाला है। आप देखिए उस पीड़ित परिवार पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, या जिन लोगों के घरों पे अब कानून कहता है कि आपको किसी से अधिकार नहीं, सर से किसी के सर से कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी हो। अच्छा, अगर दिल्ली में बुलडोजर चला रहे हैं लोग, अच्छा, दिल्ली में घरों को तोड़ रहे हैं, आपकी सरकार अगर किसी ने रोक लीजिए, रोकते क्यों नहीं आप लोग? किसी ने अगर काकी भाई अगर गलत है तो आप रोकिए, रोकते क्यों सरकार? लगातार याचिका डाल रहे हैं, लगातार रोक रहे हैं, हमारे वहाँ एमएलए लगातार डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ एलजी जो है, अच्छा, एलजी जो है अपने आप को सुपर ह्यूमन समझने लगे, सुपर पावर समझने लगे। अच्छा, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुनी हुई सरकारों का अवहेलना कर रहे हैं। अच्छा, उनका सम्मान नहीं कर रहे, अपमान कर रहे हैं। अच्छा, जबकि कोर्ट ने फटकारा उनको, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, वहाँ की कोर्ट ने फटकारा, वो कह रहे हैं कोर्ट का अपना, कोर्ट की अपनी निजी राय होगी। अरे कोई कोर्ट ने फैसला कह रहा है, आप कह रहे कोर्ट की निजी राय होगी। ठीक है सकी भाई, ठीक है। और कोर्ट के लगातार हो गया, ये योगीनाथ के बारे में हो गया, बाकी मैं मान लिया कोर्ट ने कि जब तक बाकी मैं मान लिया, हो गया आपकी बात आ गई। सुनिए, अगर ये एग्जांपल चल गया देश में, चल रहा है, चलो ठीक है, देश के लिए घातक होगा। साहिब से जवाब दीजिए, सबसे बात का देश होगा, हो गया बाकी बात आ गई। अमर साबरी भाई, आपकी क्या राय है जो बड़े पत्रकारों और तमाम घटनाओं पर आप नजर रखते हैं? जी, जिम्मेदार कौन घटना का? अमर साबरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमर साबरी, आपको मेरा आवाज आ रही है? साबरी भाई को उसी समय पैच नहीं है क्या? वो ठीक है। साही जी, जवाब दीजिए सबकी बातों का। जिस तरह आप बता रहे थे कि विवेक पांडे, सैयद मोहम्मद तकी और बनोज सिंह, इनका कहना है कि सरकार काम नहीं कर पा रही, इस्तीफा देना चाहिए, और अधिकारी मुख्यमंत्री की सुन नहीं रहे हैं, और जो नीति है बुलडोजर की वो गलत है, वो इस समय आतंक का पर्याय बन चुकी है। देखिए गौरव जी, तीनों लोगों का मैं जवाब देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए जी। और तकी जी से शुरू करता हूँ। अभी देखिए, तकी जी ने अच्छा जो है माहौल बनाने की कोशिश की, मगर दिल्ली के अपने मंत्री को नहीं देख रहे हैं जो जेल में मसाज करा रहे हैं, और उनको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जा रहा है। मोहाली में रॉकेट लॉन्चर से खालिस्तानी जो है आक्रमण कर रहे हैं, इन लोगों ने खालिस्तान का चंदा लिया हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी वहां कम से कम अपने आप को देखे क्या स्थिति है, वहां पंजाब की स्थिति देखे। 19 दिन में 21 हत्याएं और दिन दहाड़े हुई है, 6 महीने जेल के अंदर है, आज तक कुछ साबित नहीं कर पाए, आपने कोई सबूत पेश कर पाए,
आप ना उसके अंदर कुछ कर मैंने किसी से नहीं सची भाई मैंने बीच में नहीं बोला आप सुन लीजिए अब देखिए अब इन लोगों को दिक्कत ये है ना जो बीच में बोलना ये एकदम से अचानक पेट में मरोड़ होता है और जब अच्छा। मैं जवाब देता हूं तो तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं मैं सिर्फ सुन के मैं बोल रहा हूं तो सामने देखने पर थोड़ा सा दूसरा भाव होता है लेकिन तकी जी थोड़ा धैर्य से रख सुन लीजिए अगर अच्छा ठीक है भाई आप कह रहे हैं कि 6 महीने से जेल में है तो न्यायालय को कम से कम जमानत तो दे देनी चाहिए न्यायालय ने जमानत क्यों नहीं दिया अच्छा आप अपनी चीजों को देखिए शराब का पैसा जहां जहां लगा है वहां वहां से लोग गिरफ्तार करके ले आए जा रहे हैं अच्छा। साउथ से लोग ले आए जा रहे हैं गोवा में आपका पैसा लगा है धीरे धीरे जांच चल रही है और वो जांच का बड़ा बढ़िया रिजल्ट आएगा अच्छा, ठीक है। मैं अब विनोद सिंह जी के ऊपर आना चाहता हूँ देखिये विनोद सिंह जी ने बहुत बढ़िया भाषण और लच्छेदार शब्दों का बड़ा आजकल भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं बहुत भारी भरकम सब कुछ लग रहा है कि कुछ इनके अंदर भी कोई दिव्य ज्ञान आ गया है शब्दों का भंडार भर गया मैं तो कहता हूं इनसे अच्छा देखिए गौरव जी इन्होंने कहा मैं एक घटना याद दिलाता हूं अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव था 2022 में और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना लखीमपुर में हो गई ठीक कांग्रेस के लोग बाकी दलों के लोग भी पहुंचे समाजवादी पार्टी के लोग तो यही जीप उप जला के थाने पर गौतमपल्ली में रह गए थे ये लोग शायद वहां तक पहुंच गए थे इनके दो मुख्यमंत्री आए एक बघेल साहब और एक चन्नी साहब बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं बड़ा बढ़िया काम किया उन लोगों ने 50-50 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को दिए और बहुत अच्छा काम किया स्वागत करता हूं स्वागत योग्य काम था वो ठीक लेकिन पंजाब में सरकार थी और चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे दिल्ली में आंदोलन चल रहा था और तरन तारण का एक सिख युवक जो बिरादरी की मैं बात नहीं करता हूं लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर ब्राह्मण की बात चली वो दलित युवक था अच्छा और खासकर चन्नी साहब भी दलित थे गौरव भाई तरन तारन में रात में उसको अभी ये लोग हाथरस की बात करते हैं ना मेरे पास उसकी वीडियो है तरन तारन में मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया गया अच्छा उसकी बात कभी नहीं करते हैं तीसरी बात वहां पर जाने के बाद अगर विनोद सिंह जी बता दें कि चन्नी साहब ने या कांग्रेस की प्रियंका जी ने या राहुल जी ने 4 आना उस व्यक्ति को दिया हो या उसके घर पर जाकर संवेदना दी हो तो बताएं क्योंकि यहां तो लक्ष्यदार चीजें बोल ही रहे हैं यहां की चीजें दिख रही हैं। अब मैं आता हूं समाजवादी पार्टी के अपने भाई विवेक जी पर कुछ ज्यादा आंदोलित थे ये शुरू में बड़े हाँ बहुत आंदोलित थे दर्द होना चाहिए जी। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ब्राह्मणों को गाली दिया कस के रामचरितमानस वाले प्रकरण में जी। तभी मनोज पांडे जी इनके बौखला कर उनका विरोध करने लगे जी। अचानक तेज नारायण पांडे जी का कई वीडियो आ गया उन्होंने भी इनको बोलना शुरू कर दिया जूही सिंह का आ गया रोली मिश्रा तिवारी कौन है उनका आ गया ये सबका बयान आ गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अखिलेश यादव ने उठाकर राष्ट्रीय महासचिव बना दिया अच्छा ब्राह्मण विरोध कहां हो रहा है ये देखने वाली चीज है कि कराया जा रहा है अखिलेश यादव जी के द्वारा अच्छा, ब्राह्मण विरोध उनके दल में कराया जा रहा है और ये लोग आज ब्राह्मण की बात वहां करते हैं अरे वहां एक दुखी परिवार एक गरीब परिवार एक पीड़ित परिवार की बात करते तो मैं कहता कि संवेदना में हमारे साथ है लेकिन ये संवेदना नहीं है यहां तो राजनीति है क्योंकि ये लोग आज की स्थिति क्या है हम मैंने पहले भी कहा हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ये जाति में फंसे हुए हैं हम 32 लाख करोड़ लेकर आ रहे हैं ये रामचरितमानस जला रहे हैं तो अंतर इतना है एम और वाई फैक्टर जो है इनका समाप्त हो चुका है जनता ने नकार दिया है अब ये हिंदू में हिंदू को बांटने की कोशिश करेंगे जाति में जाति बांटने की कोशिश करेंगे यही काम इन लोगों का बचा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर नारा लेकर चल रही है और जनता ने उस पर भरोसा करके 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ने को मजबूर किया है अपने आशीर्वाद से अश्विनी शाही जी योगी जी अपने जो है यहाँ पर 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ जाता हूँ मैं 4 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ आप एक इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चला रहे हैं वहीं 4-5 वारदातें पेश आई हैं जिनके लिए आपने क्या किया आप प्रिया राठौर एसआर कॉलेज की है उसकी छात्रा का
कि डेथ हो गई है और कहा जा रहा है उसका मर्डर हुआ है, उसके परिवार ने आरोप लगाया उसके ऊपर, क्या उसकी जांच नहीं चल रही है, जांच हो रही है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर यही बात मैं बोल लेता और ये बोलते तकी जी तो ज्यादा अच्छा रहता, मेरी बात पूरी नहीं हुई और सवाल खड़ा हो गया। जो आप ही के बनाए हुए जो बना रहे थे उसमें उनकी रोड एक्सीडेंट हो गया, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, सीमा के साथ इतनी महिलाओं के साथ यहाँ इस तरह की वारदातें पेश आई हैं, सीतापुर में भी आपने कैंसर पीड़ित का घर डाल दिया। अरे तकी जी, तकी जी, देश के अंदर तकी जी सुन लीजिए, प्रदेश के अंदर जा रहा है तकी भाई, सुन लीजिए। अरे तकी जी, वो सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाया था, उसमें कुछ किया गया आपने? ये सब आप गर्भवती पत्नी को, गर्भवती पत्नी को कुत्तों से कटवाया था, जो आपकी हत्या कौन थे सोमनाथ भारती कौन थे याद है आपको? ये आपकी मानसिक खोखलापन को दर्शाते हैं। सोमनाथ भारती कौन थे भाई? खोखले आरोप लगाते और इनके इनके महिला कल्याण मंत्री एक थे संदीप सिंह, विरोधी है, उन्होंने राशन कार्ड बनवाने वाली महिला के साथ ही रेप अटेम्प्ट कर दिया। ब्राह्मण विरोधी है भाई, बता रहे हैं दुबे को आपने। अरे हम क्या कह रहे हैं कि आपने, अच्छा सोमनाथ भारती अपने पत्नी को कुत्ते से कटवा रहे हैं वो नहीं विरोधी है, हम ब्राह्मण विरोधी है। पंडितों ने को बाटा है, मतलब क्यों भाई आम आदमी पार्टी को चिल्लाने से इन्हीं को बोलने दीजिए। ताकि भाई देखिए हो गया, अमर साबरी जोड़ते हैं, अमर साबरी जुड़ चुके हैं। अमर भाई, जो घटना हुई कानपुर की, जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार की नीति वो खराब है और बुलडोजर आतंक का पर्याय बन चुका है और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की, अधिकारी कि कार्यशैली सरकार के नीति पर सरकार की छवि पर ग्रहण लगा रही है, कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। पहली बात तो हम बड़े हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने स्टाफ से कहिए कि बीच बीच में वॉइस चेक करते रहा करें, इतने पैनलिस्ट बोल दिए, कौन क्या बोला मुझे कुछ नहीं मालूम आपकी हाँ, लेकिन बहरहाल अपनी बात तो मैं चूंकि आपने मौका दिया करूंगा ही। पहली बात तो यह कि जो घटना घटी है गौरव जी, बस जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। देखिए एक बहुत पुराना शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, इस बस्ती में हमारा सिर्फ मकान थोड़ी है, मतलब कुछ टूटा फूटा शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन सच्ची बात यह है कि बुलडोजर बुलडोजर के दम पर जो सरकार बनी थी, बुलडोजर के तहत लोगों ने वोट दिया था, आज उस बुलडोजर का अंजाम भी देख लीजिए। लेकिन उससे ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी वीडियो कॉल से उसको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई गौरव जी नहीं हो सकती। कानपुर कोई लंदन में नहीं है, यहाँ से मात्र 72-75 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर है। बेहतर होता कि ब्रजेश पाठक उनके घर जाते और जाकर के उनको संवेदना व्यक्त करते। तीसरी अहम बात गौरव जी, सरकार मीडिया सिर्फ दो लोगों को चिल्ला रही है, दो लोगों की मौत हुई है, जबकि जो प्रेस नोट जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया उसमें कृष्ण गोपाल दीक्षित की भी मौत बताई जा रही है। हाँ। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो अवैध कब्जा किए हुए थे। तो अब गौरव जी सवाल ये पैदा होता है, अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर आपको बहुत बड़ी संख्या में लोग अवैध कब्जा करे मिल जाएंगे। और जिस अपार्टमेंट्स में भी बात होती है अवैध कब्जों की, लेकिन गौरव जी आप बताइए, तमाम घटनाएं घटी है इसी लखनऊ के अंदर राजधानी में। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हुए भाजपा के और इनके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ बिल्डर ही अपराधी है इसके अंदर? क्या वो अधिकारी अपराधी नहीं है कि जिन्होंने इनको स्वीकृति दी बनाने की, जिन्होंने नक्शे पास करे, भले अवैध नक्शे पास करे या वैध पास करे, किस तरीके से बनाने की दिया है? अच्छा। सच तो ये है गौरव जी, स्थानीय पुलिस एनडीए विभाग उतना ही दोषी है कि जितना के बिल्डर दोषी है, बल्कि बिल्डर से ज्यादा स्थानीय पुलिस दोषी है और बिल्डर एनडीए दोषी है गौरव जी। अच्छा। इस पर कभी बात नहीं होती है, कभी अधिकारी सस्पेंड नहीं होती है। अभी कल की घटना जो कानपुर की परसों की है, आप देख लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें तो ईमानदारी जिलाधिकारी और एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए था। अच्छा। बगैर उनकी अनुमति के कुछ नहीं होता है। जिलाधिकारी जी कह रही है अवैध है, दूसरी बात वो कह रही है तीन लोग मरे, सरकार कह रही है दो लोग मरे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल गौरव जी ये भी होता है उठता है कि जिलाधिकारी द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें तीन लोग मृत्यु हुई है। हाँ, जिलाधिकारी सुन तो लिए, जिलाधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी हुआ उसमें तीन लोग दिखाए गए गौरव जी। अच्छा। एक लड़की, उसकी माँ, उसका बाप है। अच्छा, तीन लोगों को नहीं, नहीं, कोई, कोई प्रेस नोट नहीं है, ये कोई प्रेस नोट जारी नहीं आई है भाई।
कह रहे कोई प्रेस नोट जारी नहीं, प्रेस नोट लाइए, हम अभी व्हाट्सएप प्रेस वाले को भेज देंगे, उसके सामने होना चाहिए, आपको भेज देंगे प्रेस नोट, हमारे पास प्रेस नोट है, आपके पास है क्या गौरव जी, हम कोई फाइलिंग नहीं कर रहे, मेरे पास कोई प्रेस नोट जारी हुआ है, तो आप प्रेस वाले नहीं है इसका मतलब, गौरव जी बता दूं प्रेस नोट किसके लिए होता है, प्रेस के लिए होता है ना, इतनी धज्जियां इस सरकार में उड़ी है, पिछली सरकार की भी इन्होंने पराकाष्ठा कर दी है कानून व्यवस्था के मामले में, और अहम बात सुनिए, अब राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा अपराध पुलिस कर रही है, कमिश्नर कर रही है, सच तो यह है कि सरकार को कमिश्नर को सस्पेंड कर देना चाहिए, तमाम निर्दोषों को अपराधी बनाया जा रहा है, आप उठाकर पूरी लिस्ट देख लीजिए पुराने लखनऊ की पश्चिम पुलिस की, तमाम निर्दोष लोग अभी ये अभी दो साल पहले एक गाड़ी में उसके बड़े भाई की गाड़ी छोटे भाई को जेल भेजा गया, अफसोस की बात यह है कि अभी तीन दिन पहले फिर उसी गाड़ी में गाड़ी चोरी में छोटे भाई को जेल भेज दिया गया है, तमाम निर्दोषों को लखनऊ पुलिस अपराधी बना रही है, क्या गौरव भाई, तमाम सुरक्षित मौजूद रखे हैं, पहले कुछ नहीं होता, जब चाहे मैं आपको दिखा दूंगा, इतना दर्द बयान हो रहा है, छह साल के अंदर ही हो गया, अश्वनी जी चिंता नहीं होगा, पूरी बात सुनिए भाई, मैंने आपके बारे में बोला है, आप सुनिए मेरे जी, मैंने मेरे पास बोला है कि क्या पहले ही ये छह साल में होता था, पहले नहीं होता था, मेरे पास एक लिस्ट है, देखिए ये, अरे तो इसका मतलब आप भी करेंगे, नहीं नहीं आप और करेंगे, एक दिन की घटना मतलब वो जनवरी 16 एक महीने की घटना मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ साबरी साहब ने कितनी बार उठाया है, मड़ियाओं की सुरुचि पांडे की हत्या हो जाती है, वीआईपी रोड आजाद नगर फौजी कॉलोनी में कृष्ण पांडे की हत्या हो जाती है, माधुरी पांडे की हत्या हो जाती है, जानकीपुरम में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, आसियाना में गर्भवती महिला की हत्या हो जाती है, वहीं पर मुख्यमंत्री आवास के बगल में एक गैंगरेप होता है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है, गोमती नगर स्टेशन पर एक गर्भवती महिला की हत्या होती है, और अम्बेडकर नगर में आज की जो विधायक है उनके पति की हत्या होती है, 8 महीने तक पीड़ित परिवार दौड़ता रहता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि वो हिंदू दल से जुड़े हुए हैं, नहीं आपकी जी, सरकार में ये आज ही हो गया है, देखिए ना, अगर उनकी सरकार में होता था तो ये अभी आप भी अपनी सरकार में, अरे भाई तो मैं बताना चाहता, तो ये इन्हीं की बात पे तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक तो मैंने ये लिस्ट नहीं दिखाया था, अच्छा, लेकिन इन्हीं की बात पे कह रहा हूँ कि ये आज ही हो रहा है, अच्छा, अरे कुछ तो अंतर दिख रहा है, अरे तो आज भी करेंगे, आज यहाँ का माहौल हमने जो बनाया है वो इतना बढ़िया बना है कि 32 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं बाहर से, आपके बजट जो हमने पेश किया था उसका 6 गुना, ठीक है, नहीं तो पहले आता था तो गाजीपुर में मिल जाते थे मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद में अतीक अहमद, उधर सहारनपुर में राजकीय गैंग, ये सारे रहते थे, कोई आता नहीं था। पांडे बोलिए, देखिए बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन आज मैंने फिर कहा अपनी बातों में, फिर मैं शुमार करता हूं कि मुझे लग रहा था कि आज बात होगी मुद्दों पे जी, अश्विनी भाई बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, जमीनी हकीकत से वास्तु रखते हैं इत्तेफाक, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बात होगी जिम्मेदारी तय करने की, अच्छा। कि कैसे उस लेखपाल की रिपोर्ट को देख करके डीएम एसडीएम और ऊपरी अधिकारी अपने केबिन से ना निकले, अच्छा। और उत्तर प्रदेश की दुर्गति की स्थिति यह है गौरव भाई, 99% लेखपाल केवल पैसे के दम पे रिपोर्ट लगाते हैं, अच्छा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं अभी सरोजनी नगर का एक वाक्य आपके सामने रख देता हूँ, जी, लेखपाल को रिपोर्ट लगवाने के लिए बुलाया गया, जब वहां के क्षेत्रीय प्लॉटिंग करने वाले लोग पहुंचे तो लेखपाल ने अपने सुर बदल दिए, अच्छा। नोटिस के अगेंस्ट में कहने लगा कि अब ये नोटिस काम नहीं करेगी, दूसरी नोटिस करवाइए, और खुद आया था इतनी बड़ी गाड़ी से, अच्छा। कि हमें देख के आश्चर्य होता था कि ये सरकारी नौकर है जिसकी तनख्वाह होगी मात्र 50-55 हजार, अच्छा। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अब गंभीर बात हो जाए कि अगर जिम्मेदारी तय करने की वास्तव में थोड़ी भी नियति सरकार की है, इस प्रकरण से जुटे जितने अधिकारी हैं सबकी संपत्तियों की जांच करा लीजिए पहले, अच्छा। अगर होती अभी तक सबके सब जांच के दायरे में होते, कौन दे रहा है जांच के आदेश, अच्छा। कौन दे रहा है जांच के आदेश जी। वो तो ठुमके लगा रही थी, उनको क्या पता कि वहां पे घटना घट गई, आदेश दे दिया है भाई, उन्होंने तो जांच के आदेश दिए, जांच का आदेश दे दिया भाई, लेकिन जांच के आदेश का पत्र तो उन्होंने जारी किया ना, अधिकार किसने दिया जी। जब घटना आपके संज्ञान में आने के बाद घट गई तो आपको तत्काल प्रत्युत्तर किया जाना चाहिए था, अच्छा। मेरी पहली बात, ठीक। दूसरी बात है, ये वास्तव में समय है अब यज्ञ करने का, अच्छा, यज्ञ करने। लांछित कर्म करने वालों के विरुद्ध में जी, लक्षित कार्य करने वालों के विरुद्ध में, निकृष्ट कार्य करने वालों के विरुद्ध में, और द्रोही कार्य करने वालों के विरुद्ध में। बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बता दूं, जमीनी हकीकत, आरोप प्रत्यारोप में अगर मेरा गुनाह तेरे गुनाह से कम है तो माफ कीजिएगा, गुनहगार तो आप भी हैं, अच्छा। ये मैं नहीं कहता कि घटनाएं नहीं घटती,
हर सरकार के दौर में घटनाएं घटती है, एनसीआरबी आंकड़े पेश करता है। क्या बात। मुद्दा यह है कि उन घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है, हम उनको कितना जिम्मेदार मानते हैं या उनकी जिम्मेदारी तय करने में कितना परिश्रम करते हैं। सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? मैंने सरकार का अभी तक नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा जिम्मेदारी जिनकी है उनके ऊपर अगर आप कार्यवाही जब तक नहीं करेंगे, वो आपको बंदर बाट बंदर नाच कागज में रिपोर्ट दे करके अपने हिसाब से लोक भवन की एसी में बिठाए रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात पे आता हूँ। एसी आ गया। ये पिशाच राज का जो जंगल राज है ना उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूदा वर्तमान स्थिति, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो व्यवस्था के संचालक है जो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था के जनक है। जनक कौन होता है? ये तो हर सरकार में बात होती है कि कहीं ना कहीं जब सरकार की विदाई करनी है तो प्रशासनिक अमला सक्रिय हो जाता है। अच्छा, विदाई हो रही है? मैं बात पूरी कर लूं। जी। आज योगी जी को तय करना है कि पूरा प्रदेश उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि अगर 18 सजातीय माफिया बाहर है और ब्राह्मणों को अगर आप इस तरीके से अपमानित करने का कार्य करेंगे। अच्छा भाई, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ। आदरणीय शाही भाई ने बहुत अच्छी बात कही, आरोप लगा दिए, एक से एक बातें कर दी, डेटा दे दिया, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, कृष्णा गौतम पे कार्रवाई कर दी क्या? इतने बड़े प्रकरण के बाद अगर आपकी जिला पंचायत सदस्य राज्य मंत्री के बगल में खड़े होकर के ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग कर रही है और आप उसका तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं रामचरित मानस का उदाहरण देख के, तो माफ कीजिएगा, मैं फिर वही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में तो नेताओं ने जमकर विरोध दर्ज कराया, करवा रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या किसी की औकात भी हुई कि आरएसएस का विरोध कर दे, कि ब्राह्मण इसके जनक नहीं थे, मनु राजा सत्यव्रत ने यह सब लिखा था, किसी को ज्ञान भी है इस बात का? लेकिन केवल डेटा बना करके, डेटा दिखा करके अगर आप लांछित इस तरीके से केवल आरोप प्रत्यारोप खेलना चाहते हैं तो एनसीआरबी के डेटा मेरे पास भी बढ़िया है कि कैसे योगी सरकार के आते ही 112 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होने लगी। लेकिन आज बात एक संवेदनशील मुद्दे की है और ये आरोप तय करने की बात अगर आप विपक्ष में करते हैं, माफ कीजिएगा, आप अपनी ही छवि को बिगाड़ रहे हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय मेहमान बुला के इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव हो रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया नहीं देखते? क्या वो समाचार पत्र नहीं पढ़ते? क्या उनको खबरें नहीं मिलती? और इस तरह के बुलडोजर वाला जो आपने एक स्वांग रच रखा है, जहां पे जिस राज्य में उसके नागरिकों को रहने की जगह नहीं दी जा रही है, उसके नागरिकों का भरा पूरा परिवार उजाड़ दिया जा रहा है, आत्महत्या करने के लिए विवश किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी किसी की हो, दायित्व तो सरकार का होता है। अच्छा। ये बात मत भूलिएगा, वो चाहे हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, एक सवाल, आप जब जब जिम्मेदारी से भागेंगे तब तब आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आप आएंगे और छवि सुधार की आड़ में प्रचार प्रसार करने वाली जिस मीडिया पे इतना विज्ञापन दे करके पैसे बहाए जा रहे हैं, वही ये खबरें भी चला रही है। ठीक बीबी भाई, सवाल मेरा रहेगा, आपने कहा बुलडोजर नीति पर कार्रवाई पर, भाई यहाँ पर कार्रवाई हुई, सरकार कही है कि गरीबों पर कार्रवाई ना हो, कार्रवाई हुई और कार्रवाई चलते लोग जान गई, पर भाई माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है वो भी करा। गौरव भाई, आपके यहाँ इस डिबेट में जी कई बार हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि अगर माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है जी, उससे किसी राजनीतिक दल को कोई न समस्या होगी ना दिक्कत होगी। मैं जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी की नहीं, जो जमीनी नेता होगा, जो जमीनी जनप्रतिनिधि होगा, वो जानता है कि अराजकता जब तक समाप्त नहीं होगी, सुशासन का स्वांग नहीं अपना जमीनी हकीकत को प्राप्त करेगा। लेकिन बुलडोजर की बात नहीं है, इस बुलडोजर का प्रचंड अहंकार कहीं ना कहीं लेखपाल, एसडीएम, कानून को डीएम के मानसिकता में झलकने लगा है। अच्छा। पुलिस की मानसिकता में आप जाइए, पुलिस से किसी कार्रवाई की बात करिए, पुलिस वाले धमकी देते हैं कई बार, बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छा। किसने अधिकार दिया आपको? अच्छा। कानून व्यवस्था छोड़ के किसने अधिकार दिया आपको? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, जब आपके प्रचंड अहंकार का बीज नीचे फलने फूलने लगेगा तो यकीन बांधिए सत्ता आपकी भी नहीं टिकेगी। अच्छा। माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी उसी मुसोलिनी के राह पे चल पड़े हैं, उसी नाजी फासीवादी मानसिकता की राह पे चल पड़े हैं, जहां अपने ही लोगों से खतरा महसूस होने लगता है। तो यहां बात एक शासन को, सुशासन को क्रियान्वित करने की हो रही है। उस परिवार को अभी भी कोई जिम्मेदार नेता मिलने नहीं गया, और जो मिलने गया उसने पूरी फजीहत करा दी, बेइज्जत करा दिया, मर्यादा का हनन कर दिया, अपमान कर दिया। राज्य मंत्री खड़ी रही और जिला पंचायत सदस्य उसको लांछित करती रही, पुलिस से पकड़वा दिया, पुलिस पे भेज दिया। निवेदन करता हूँ उस ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारियों को कम से कम थोड़ी संवेदना हो, थोड़ी शर्म हो, छोड़ दीजिएगा, सा सम्मान छोड़िएगा, और कम से कम अपनी जिला पंचायत सदस्य पे कार्रवाई करके एक मिसाल प्रस्तुत करिए। केवल समाजवादी पार्टी ने यह किया, कांग्रेस ने यह किया, उससे आप बच नहीं जाएंगे, कल को इतिहास में आप भी दर्ज होंगे इस काले अध्याय में। भाई जल्दी स्वामी प्रसाद जी पर कोई कार्रवाई करवाइए विवेक भाई। गौरव जी,
आप मोहन भागवत पे करवा दीजिए। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ, आप बयान दिलवा दीजिए केवल। अच्छा। आप अपने नेताओं से मोहन भागवत का विरोध करवा दीजिए केवल। अच्छा। मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। अरे मोहन भागवत जी तो बहुत बड़े पद पर हैं भाई। कोई भी हो, कोई भी हो, सत्य से आगे तो नहीं है ना, कोई हो सत्य से आगे तो नहीं है ना। मोहन भागवत की इतनी बड़ी औकात नहीं है कि ब्राह्मणों को लांछित करे, लेकिन आपके नेताओं की औकात कहाँ चली गई? आपके यहाँ लोकतंत्र कहाँ गया? आपके यहाँ तो विरोध भी दर्ज नहीं कर सकता कोई। आप लोगों को गुंडा बना दिया गया, एक कोने में बिठा दिया गया। आप लोग की स्थिति तो प्रचार मंत्रियों जैसे भी बदतर हो गई है, स्कूल मंत्री से बदतर हो गई है। आप लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर मोहन भागवत ने जो बयान दिया, आपके किसी नेता के शब्द न निकले उस पर आप आ गए कि अब स्कूल मंत्री और कौन मंत्री। अरे चाचा हथे बैठे तो अरे मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप मोहन भागवत का बयान जो है आप चलिए ठीक है, शाही भाई मोहन भागवत के बयान का खंडन करिए। मैं तो खुला कहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरित किसी भी ग्रंथ पे भाषण देने से बचने की आवश्यकता है, सत्य को जानने की आवश्यकता है। आपकी हिम्मत, आप विरोध करिए मोहन भागवत सत्य को जानने की आवश्यकता है। आप मोहन भागवत का विरोध कीजिए। मैं खुले हम कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने उन्हें केवल जातिगत जनगणना का कार्य करने की बात की है, उन्होंने जिम्मेदारी दी है जातिगत जनगणना का, जातिगत जनगणना पे सक्रिय रहने की बात की है। आप खंडन करते हैं उसका या नहीं करते? भाजपा के सच्चे सिपाही है, अटल के सिपाही है। ब्राह्मणों को उन्होंने गाली दिया, उसका खंडन करते हैं या नहीं करते हैं? अटल के सच्चे सिपाही है, साबित करिए। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? आपके खिलाफ क्यों नहीं? आपके मुंह से विवेक भाई, कम से कम आप भी एक ब्राह्मण है, बताइए गलत किया। मोहन भागवत की इस बात के खिलाफत करके दिखाए कि ब्राह्मणों ने व्यवस्था नहीं बनाई। नहीं हुआ। अभी आप चुनौती क्या गए? भाजपा अपना सत्य साबित करे। ये अटल की अटल की बात कुछ अगर कह दीजिए, अटल की बात को दिखाइए। एक ब्राह्मण की भाजपा नहीं, अटल की बताइए। अटल के सिद्धांत कहाँ गए? अटल के सिद्धांत गौरव भाई, मैं बात लेना चाहता हूँ। एक बात, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और बुलडोजर से लोगों को एक मतलब आपत्ति होती जा रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में बुलडोजर को भी सिक्योरिटी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि लोग बुलडोजर देखते ही आतंकित हो जाएंगे और बुलडोजर के खिलाफ कुछ करेंगे तो उसमें एक और द्वेष बढ़ेगा पूरे समाज के अंदर। अच्छा। और बुलडोजर को भी सिक्योरिटी लेके चलना पड़ेगा। अच्छा। जैसे आजकल बीजेपी के लोग और उनके जो लोग हम देखिए बुलडोजर जो है पूरे विश्व में एक सकारात्मक चीज का प्रतीक है। अच्छा। बुलडोजर बनाता है, गड्ढा खोदता है, बिल्डिंग बनाता है, कंस्ट्रक्शन काम करता है, लेकिन हमारे योगी जी ने उसको एक डिस्ट्रक्शन का प्रतीक बना दिया है, उसको आतंक का प्रतीक बना दिया है, उसको जो है अन्याय का प्रतीक बना दिया है। ऐसे ऐसे बुलडोजर को लेकर लोग आतंकित हो गए, गुस्से में आएंगे और गुस्से का इजहार करेंगे। अच्छा। तो इसको बचने के लिए बुलडोजर को भी लगता है सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। दो एस एच ओ और 10 सिपाही जो है हल बुलडोजर साथ निकले सड़क के ऊपर, बुलडोजर मिलते चल पाए सड़कों के ऊपर। कांग्रेस गौरव जी ठीक है, पीड़ित परिवार का जो लोग नहीं है उनकी जाति देखना और उनकी उनकी पृष्ठभूमि देखना सही बात है, लेकिन ये सूरत हाल पूरे उत्तर प्रदेश का है। अच्छा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की केवल वो चाहे किसी जाति का वर्ग का धर्म का हो, इसकी संवैधानिक जिम्मेदारी तो बनती है सबको सुरक्षा देने की। अच्छा। लेकिन मैंने बताया पूरा तंत्र, आप ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदया का, ये बताती है तस्वीर, इसके पीछे संदेश है कि हम अपनी धुन में, हम अपने स्वार्थ सिद्धि में, हम अपने नाचने में, हम अपने राजनीतिक जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं लोग, हम उनको स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी जिले की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी पंथ मजहब की आगे हो, क्या रणनीति हमें आपकी सुरक्षा की क्या होने वाली है? कांग्रेस की रणनीति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ जुमले, इनकी बदनीति, इनके बेईमान इरादे को एक्सपोज करे और ऐसी और इनको जिनकी सैद्धांतिक नैतिक जो जिम्मेदारी है उस पर नीतिगत तरीके से सवाल किया जाए। अच्छा। और ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनके पास तो जवाब होता नहीं है। अच्छा। तो किसी बुलडोजर की बात कर देंगे, धर्म की बात कर देंगे, आगे पीछे की बात कर देंगे। अच्छा। आज के सवाल का, गौरव जी के आज के
कार्यक्रम में उठे सवाल का आज सार्थक संतोषजनक जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके, मैं चुनौती से बात कर रहा हूं, योगी जी से लेके किसी भी प्रवक्ता और आरएसएस के स्वयंभू चिंतक के पास नहीं है, क्योंकि आपका मुद्दा जन सरोकार है। मैटर गौरव जी नहीं करते हैं, मैटर सपा के साथी नहीं करते हैं, आपके साथी नहीं करते हैं, मैटर प्रदेश की देश की जनता करती है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे करते हैं, उनके हित की बात करती है। लेकिन जब सवाल नीतिगत होगा, जब सवाल संवैधानिक होगा, जब सवाल सैद्धांतिक होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुखार आ जाएगा, तो इधर उधर घुमाने लगेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटी मछली को बलि का बकरा बनाएंगे। इनके पास स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान होगा जब मन को पवित्र करेंगे, अहिंसावादी तरीके से सोचेंगे, हिंसा की आग से राग द्वेष से अलग हटेंगे, भावना में जिन्होंने अपनी भावनाओं को जला रखा है, इसलिए इनकी संवेदनशीलता मर गई है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो 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 नौसंचार हुआ है, जो व्यापक सकारात्मक बदलाव हुआ है, जनता इनकी नियत को और स्पष्ट तरीके से जानने में समझ चुकी है, और अब जो बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देने का काम करेगा। तीन जिलों में आई थी बस, बागपत, शामली और गाजियाबाद में। देखिए, जब विचार क्रांति का काम करती है जी, बाकी जगह भूल गए थे। नहीं, बिल्कुल, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की बगल में होनी आपको हमको देखनी बाकी है। चलो ठीक है, साई जी, आप विजय पर बैठे बैठता हूं, सही जल्दी बोलिए। नहीं देखिए, विनोद जी ने जो बातें कहा एकदम सही है, एक विचार क्रांति की बात करते हैं। हाँ। मगर जिस रास्ते से गए हैं ना भारत जोड़ो यात्रा में, हाँ, उसके पीछे आप सर्वे करा लीजिए गौरव जी, आपको सब अंधेरा ही मिलेगा। अच्छा। कांग्रेस वहां से साफ मिलेगी। अच्छा। क्योंकि जो गंभीर बनाने के लिए पीआर किया गया वो सब खत्म हो गया। लेकिन आज का जो गंभीर मुद्दा आपका है, मैं उससे भटकना नहीं चाहता हूँ। इस मुद्दे पर मैं स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत ही मजबूती से उस पर काम किया है और बहुत जल्दी उस पर त्वरित कार्यवाही की गई है। लेकिन अब अलग बात है कि विरोधी दल का काम है विरोध करना, तो कहीं ना कहीं कुछ खोजेंगे उसमें, और सरकार ये लोग एक दो दिन में खोद कर किनारे हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन सरकार अंत तक उस परिवार के साथ रहेगी, उन दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगी, और वहां पर जो भी अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलने का काम करेगी, कि किसी अन्य परिवार के साथ इसकी, जो आपका पहला सवाल था कि पुनरावृत्ति न हो, उस पुनरावृत्ति को हम नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी कानपुर कांड में जिस तरह से दो महिलाओं की मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद जो कोहरा मचा हुआ है, कहीं ना कहीं उससे मानव संवेदना भी चकित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, जिस तरह से संवेदनहीलता कानपुर की देहात की जिलाधिकारी की देखी गई, वो ठुमके लगाते नजर आई, तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट करती है कि अधिकारी सरकार की नीतियों पर ग्रहण लगाने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना की संवेदनशीलता को समझते हुए उनको वहां पर पहुंच कर समस्या को समझना चाहिए था, और शायद इतनी बड़ी घटना होने के बाद उनको भी समझना चाहिए था कि इस समय जो स्थिति है वो गलत संदेश सरकार का लोगों के बीच जा रहा है। पर चूंकि घटना उनके घर में नहीं हुई थी, घटना किसी गरीब के घर में हुई थी, तो संवेदना वहां पर झलकेगी कैसे, ना वहां पर जिलाधिकारी को समझ में आएगी और ना वहां पर और अधिकारियों को समझ में आएगी। जिसका घर जलता है, जिसके परिवार में किसी लोग की मृत्यु होती है, ये दर्द वो जानता है, ना कि कोई और। कभी तो कहा जाता है जिसका दर्द होता है वही जानता है, दूसरों को दर्द का अंदाजा भी नहीं होता है। अब इस घटना में जो जिम्मेदार हैं, कार्रवाई कितनी होगी, कितनी जांच होगी, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और कितने लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा और कितने लोगों पर और कड़ी कार्रवाई होगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये बात तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो साफ है कि कोई भी घटना होती है उसमें बड़े अधिकारियों की भी भूमिका होती है, और शायद बड़े अधिकारियों को भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि सकारात्मक संदेश जनता के बीच जाए कि अगर गलती किसी की है तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारी हो और चाहे जनता का प्रतिनिधि हो। इस घटना से जिस तरह से लोगों के बीच एक कोहरा मचा हुआ है, लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, इस तरह की घटना के लिए हमारे प्रदेश जगह ही नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई होती रहे इससे कोई गुरेज नहीं है, और जिस तरह से जो प्रवक्ता रहे सपा के, उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, पर बुलडोजर की कार्रवाई की जड़ में गरीब का घन ना आए और गरीब की जान ना जाए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे ज्योति नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।